हमें राजा हरिचंद बसियो तो अभी ने एक हरिचंद रे घरे नौकरी मिली शमशान घाट रो पोरो देनो। शमशान घाट में पोरो देनो और जको भी बटे कोई मड़ो लेन आवे बालन ने बी कने वो ये खोने रो टको लेन बीन बालन देनो। तो हमें तीनों ही बेपने रे बाद में बोंगी दक्षिणा पूरी होगी और राजा आपरो वचन पूरो कियो और विश्वामित्र और देवराज इंद्र हार गया। तो बोने बा हार आजम को हुई नहीं और बोए भड़ाई परीक्षा लेनी चाहिए। बोए रोणी रे कड़ी परीक्षा लेने वास्ते देवी शक्ति रो प्रयोग कियो और बोंग परीक्षा लेवी। राजा रोणी रे पुत्र रो नाम रोहितास हो, वो हमेशा खेलतो रहतो और बागूंद फिरतो रहतो। तो विश्वामित्र जी एक हाप रो रूप धारण कर देवी शक्तियों बिन रोणी रे बेटो रोहितास बिन खाई चो ज्यों ही खाधो तो बिन बेटे रे प्राण त्याग दिया और रोणी एकदम व्याकुल होगी। रोणी रोन ढूंगी तो धरती आकाश एकदम गुंजन ढूंग गयो। रोणी ने लाख मिन्त कर बिन ब्राह्मण ने कहो कि मेरे बेटे रे वास्ते खापण दे। ओ मारो संस्कार है कि खापण दिए बिना मैं कि बाड़ा कोनी तो ब्राह्मण उसाय था मऊ। पण देवराज इंद्र विश्वामित्र भी ब्राह्मण एड़ी मती माते प्रभाव डालियो कि बिन दो गज कपड़ो देणु मना कर दियो और नहीं कोई कहिया दिया। तो रोणी रे वास्ते एकदम सत्री घड़ी आई और बिना आप रे जको चीर हो ओढ़नो बिन आधो फाड़ियो। आधो फाड़न बिन खापण ने रूप में लियो और बी बेटे लपेट शमशान घाट में ले गई। पण लेन गई तो कहे धके राजा हरिचंद पोरो लगायो और बिने शमशान घाट में बड़न को दी ना आप रे पुत्र संस्कार नहीं करन दियो और कहो के भाई हूँ मालिक। हूँ मालिक रहा तो धोखो नहीं करूँ। रोणी रोती रही वा बैठी रही बेहोश होगी और सेवगू एक घटना घटी के काशी रोजो को राजा हो बिंग महल में सोरी होगी। तो बोए सोरे कहो के भाई हमणो माल बेकी तो शमशान घाट में मुर्दे ने सड़ा दे। बस यार ईश्वर शमशान घाट में पुग्या तो आगे रोणी बैठी बिंगे कने मुर्दो देख और रोणी ने गले में होने रो हार डाल गया प्रा और कहो के वही सड़ा हो गयो। तो सोरी री जांच पड़ताल करता करता सिपाही आया तो शमशान घाट में रोणी रे गले में होने रो असाई हार दे कन बोए कहो। बिन टाइम रोणी ने पकड़ ली और रो रो ने कहो के बा निर्दोष है पण मैं बैसे भाई एक ही नहीं मान्या पोंगी। पुत्र रोहितास ने बटे छोड़ दियो और सिपाही रोणी रे काशी रे राजा रे पास ले गया। राजा भी सोरी रे अपराध मृत्युदंड रो हुकम दे काट दियो। मरने लिए रोणी फिर शमशान घाट में आई रही बिंगो कतल करने वास्ते जको वो धके राजा हरिचंद हाजिर हो जको एक चंडालो सेवक हो। तो विश्वामित्र जी एक भयानक खेद रचियो। पुत्र रोहितास ने मार दियो। रोणी माते सोरी रो दोष लगा दियो और बिंगो कतल कराने वास्ते राजा हरिचंद ने कहो। तो राजा हरिचंद एक सत्यावादी हो जगह कीड़ी नी मारी बिन हेड़ी दशा और लीला भयानक देख विष्णु और पार ब्रह्म महाकाल देवता भी घबराई गया। पर राजा हरिचंद अड़ी हो और वो आपरे फर्ज पर खरे उतरियो बिना आपरी रोणी ने मारने लिए तैयार हो गयो ताकि वो राजा रे हुकमरी पालना कर सके। इन समय कतलगा और शमशान घाट में समय और उसकी रोणी और मतर वो मरुड़ो पुत्र रोहितास बाकी सन्नेटा और अकेला पाना तैयार हो जाओ। ओ कैन राजा हरिचंद्र तलवार रोणी ने मारने वास्ते हाथ ऊपर उठायो। हाथ ऊँसो कारण वार करन डूगो तो एक अद्भुत ही चमत्कार हुयो। बिनी टाइम अनदेखी शक्ति ने बहु हाथ पकड़ दियो और कहो कह धन्य है राजा हरिचंद सत्यवादी तू। इन आवाज रे हाथ ही
देख हाथ में तलवार नहीं सी पड़ गई और असंभव कारण वो देखियो तो शमशान घाट में कोई नहीं हो, एक बैग में खड़ो बटे विभिन्न प्रकार का फूल खिलूड़ा हा और बिंगे बस्तर भी संडाल वाला नहीं हा। बिंगे आपरी आँखें माण देखियो तो हमें भगवान खड़ा हा, विश्वामित्र और इंद्र भी कने खड़ा हा, बे एक ब्राह्मण कटे नजर नहीं आ रहा, हैंग आगे पास गया। तो राजा हरिचंद बेणी पल भगवान रे शरण में जोगियो, रोने नी भी आगे लेन हेमन प्रणाम कियो। जब बिन टाइम भगवान ने वचन कियो कि राजा हरिचंद सत्यवादी है, सत्यवादी रह ला तू, जो मांग जको मांगनो छावे वो मिलेला। तो बिंग हाथ ही विश्वामित्री हरि कथा सुना दी और राजा रोणी पोतर रोहिता हंसता मुस्कुराता तीनों ही पास पेश किया। तो हरि कथा हुण राजा हरिचंद ने भगवान इंद्र विश्वामित्र को प्रणाम कियो और कहो के आपरी लीला तो आप ही जानो महाराज। जब भगवान ने घणो जोर दियो तो राजा हरिचंद्र ने वर मांगियो के हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि हरि नगरी सहित हूँ एक बार स्वर्ग में जूँ। तो भगवान तथास्तु कह दियो और भले कहो के हे महाराज, सतयुग में जो मेरी परीक्षा लेवी जो आगे तेता युग या कलयुग में कोई भक्तरी परीक्षा मत लियो, नीना वह खरा नहीं उतरेगा। तो कह के राजा कई टाइम तक राज कियो और एक टाइम एड़ो आयो के जद हारी नगरी और पूरु गांव बींगा बटे भिड़ा हो स्वर्ग में गया। जद बैंकुट धोम जया तो जानवर पक्षी पशु हैंग बींगे हाथे देख राजा ने एकदम थोड़ो कहीं अभिमान हुयो और बहते बहते अभिमान होने रे कारण राजा री जकी पूरी नगरी ही व स्वर्ग रे और धरती रे विष में ही अटक गई, ब्रह्मांड में रुक गई। तो बिंगो नाव रोकने रे कारण हरिचंद नगरी पड़ गयो और गुरुवाणी में भी बिंगो लेख आवे है। इन कथा रो प्रमाण तो ही है कि किणी क्षण भी सत्य हाथों नहीं छोड़नो चाहिए, ना ही अभिमान करना चाहिए। जको सत्यवादी बनियो रहे बिंगी नाव हमेशा पार हुए। तो आ कहानी थोन कड़ी लगी मुन लाइक कमेंट कर जरूर बताइयो। अगर मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल सदस्य लें घटी वाले बटन दबा दियो तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन थोने हंगो पहला मिली मिलो तक कोई नवे वीडियो में। जेड ताई राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।